तो रिसेंट टाइम में इंडिया में आईफोन यूजर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आईफोन 15 आने के बाद ये जो नंबर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि आईफोन में शिफ्ट होना बहुत सिंपल सी बात है, आपने आईफोन खरीद लिया और आईफोन में शिफ्ट कर गए। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अराइज होता है वो है व्हाट्सएप चैट्स को हम लोग कैसे ट्रांसफर करें अपने एंड्रॉइड फोन से अपने आईफोन में, जो कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे प्रोसेस है। मार्केट में बहुत सारा फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से आप एंड्रॉइड फोन से अपने सारे व्हाट्सएप चैट्स को अपने आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वो सारे फ्री जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपको 100% सही रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। बहुत बार सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है, बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि आपका कंप्लीट जो चैट्स बैकअप है वो नहीं आ पाता है। और इसी सारे प्रॉब्लम को बहुत ही चुटकियों में सॉल्व करता है एक सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है iTool AB What's Go। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने एंड्रॉइड फोन में जितने भी व्हाट्सएप चैट्स बैकअप है, चाहे अगर आपका बिजनेस अकाउंट है चाहे आपका नॉर्मल अकाउंट है, सारे डेटा को बहुत ही आसानी से आप अपने आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बता रहा हूं। सो मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिंक देके रखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक से या तो पिन कमेंट लिंक से जैसे आप क्लिक करोगे डायरेक्टली सॉफ्टवेयर का जो यहां पे होम पेज है वो खुल के निकल के आ जाएगा। जैसा कि यहां पे आप लोग ऑन स्क्रीन देख सकते हो सॉफ्टवेयर का यहां पे नाम है iTool AB What's Go, और ये वाला जो सॉफ्टवेयर है वो iOS 17 को भी सपोर्ट करता है। तो अगर आप लेटेस्ट मॉडल में आपने आईफोन को चला रहे हो तब भी ये सॉफ्टवेयर आपका फोन में काम कर जाएगा। सॉफ्टवेयर में क्या कुछ कर सकता है यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो वन क्लिक में आप अपने सारे के सारे व्हाट्सएप डेटा, बिजनेस डेटा को एंड्रॉइड टू iOS ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास GB व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप है और व्हाट्सएप ऐप है, तो सिंपल वे में ये सारे चीज आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे आपको जितने भी सारे आपका डेटा है, चाहे मैसेज हो, इमेज हो, वीडियो हो, कॉन्टैक्ट हो, सारा कुछ ट्रांसफर हो जाता है। और अगर आपका चैट्स बैकअप यहाँ पे गूगल ड्राइव पे रखा हुआ है तो आप गूगल ड्राइव से भी यहाँ पे बैकअप कर सकते हो, अपने आईफोन में भी कर सकते हो, एंड्रॉइड फोन में भी कर सकते हो। अगर आपके आई क्लाउड में या तो आईट्यून में बैकअप है तो उसको भी आप डायरेक्टली अपने फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्रांसफर करने से पहले जितने भी आपका बैकअप है उसका आपको प्रीव्यू भी देखने को मिलता है। तो बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि आपके पास जो चैट्स बैकअप है वो बहुत ज्यादा है लेकिन उनमें से कुछ ही चीज आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप सिलेक्टिव यहां पे रिस्टोर भी कर सकते हो, सिलेक्टिव बैकअप भी ले सकते हो, जो कि बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फीचर है इस सॉफ्टवेयर का। साथ ही साथ यहां पे आप लोग देख सकते हो इसमें आपको फुली कंपेटिबिलिटी मिल जाता है एंड्रॉइड 14 और iOS 17 में। तो अगर आपका एंड्रॉइड फोन एकदम लेटेस्ट वर्जन पे चल रहा है, आईफोन भी लेटेस्ट वर्जन पे चल रहा है, तब भी इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने सारे के सारे बैकअप्स को आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं प्रोसेस को आप लोगों को बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं, आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखो, आपको सारा कुछ जो है वो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहां पे फ्री डाउनलोड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हो डाउनलोड ये हो गया है, ये वाला फाइल को हम लोग ओपन कर लेंगे। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो व्हाट्स गो का एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है, तो यहां पे हमने यस कर दिया और यहां पे जाके हमने इंस्टॉल ऑप्शन को क्लिक कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा डिपेंडिंग आपका यहां पे नेटवर्क स्पीड कितना है, नेटवर्क स्पीड अगर ज्यादा होगा तो आपका तुरंत ये सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। सो यहां पे आप लोग ऑन स्क्रीन देख सकते हो यहां पे हमें सबसे पहले अगर मेरा WhatsApp है तो WhatsApp पे क्लिक करना है, बिजनेस अकाउंट है तो बिजनेस में क्लिक करना है, और अगर आपका GB WhatsApp है तो आपको GB WhatsApp में क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरा पर्सनल WhatsApp अकाउंट है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देन यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन को क्लिक किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप क्या कुछ यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको डिवाइस को सिलेक्ट करना है, इधर वाले ऑप्शन में आपको सोर्स डालना है, इधर वाले ऑप्शन में आपको डेस्टिनेशन डालना है। तो मैं अपने दोनों के दोनों जो डिवाइस है जिसमें मैं ट्रांसफर करने वाला हूं दोनों को अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो यहां पे मैं अपने दोनों फोन को कनेक्ट कर चुका हूं, आप लोग सोर्स में देख सकते हो रियलमी 8 का फोन है जो कि आ चुका है। यहां पे आप लोग देख सकते हो डेस्टिनेशन मेरा जो है वो आईफोन 10R है जो ऑलरेडी शो कर चुका है। अब यहां पे चलेंगे और डायरेक्टली यहां पे ट्रांसफर ऑप्शन को हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो डिटेक्ट व्हाट्सएप नॉट इंस्टॉल ऑन आईफोन 10R। तो यहां पे हमें सबसे पहले अपने आईफोन में व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप को यहां पे इंस्टॉल कर लिया है आईफोन 10R में। इसके बाद ट्रांसफर ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहां पे आप लोग देख सकते हो सारा कुछ मैसेज आ रहा है। यहां पे हम लोगों को केबल कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक करना है,
उसके बाद आप लोग देख सकते हो आपको सिलेक्ट करना है क्या कुछ आपको बैकअप चाहिए आपके न्यू आईफोन में, जैसे कि टेक्स्ट मैसेज, इमेज, वीडियो, ऑडियो, वॉइस नोट, स्टिकर, GIF या तो डॉक्यूमेंट। तो यहां पे मैं सबको सिलेक्ट करता हूं और यहां पे डायरेक्टली कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को प्रोसेस शो कर रहा है, इस प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है और इस प्रोसेस को आप जैसे ही कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप अपने सारे के सारे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैंने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे एनेबल ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा सारा का सारा जो डेटा है वो ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है, जैसे कि आप लोगों को ऑन स्क्रीन दिख रहा है। इस प्रोसेस में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग आपके पास कितने सारे व्हाट्सएप डेटा है। डेटा आपके पास जितना ज्यादा होगा उतना ही आपको समय लगेगा और डेटा आपके पास जितना कम होगा उतना आपको कम समय लगेगा। तो मैंने यहाँ पे 64-bit का जो पासवर्ड है वो डाल चुका हूं। यहाँ पे जाएंगे वेरीफाई ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वेरीफाई ऑप्शन में ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारे के सारे जो डेटा है वो हमारे यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद अगर चाहे तो सेम आप बैकअप को अपने कंप्यूटर में भी रख सकते हैं या तो आप डायरेक्टली अपने फोन में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां से आपको अपना फोन सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहां पे रिस्टोर वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है और यहां पे आप लोग देख सकते हो बैकअप जो है वो यहां पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। यहां पे आप लोग देख सकते हो मेरा जो यहां पे वो रिस्टोर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कुछ देर के लिए वेट करते हैं, उसके बाद फोन को रिस्टार्ट होने देते हैं। रिस्टार्ट होने के बाद यहां पे डायरेक्टली हम लोग व्हाट्सएप में लॉगिन कर लेंगे। मेरे सारे के सारे जो डेटा है जो कि एंड्रॉयड फोन में था वो अभी मेरे आईफोन में आ चुका है। तो यही कुछ प्रोसेस फॉलो करके आप आराम से अपने एंड्रॉयड फोन से डायरेक्टली किसी भी आईफोन में शिफ्ट कर सकते हैं और सारा के सारे जो आपका बैकअप है वो ऑलरेडी आपके आईफोन में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही ज्यादा किफायती एक सॉफ्टवेयर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। हम लोग थोड़ा सा प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कुछ प्राइस है इस सॉफ्टवेयर का। तो आप लोग देख सकते हो अगर आपको मंथली प्लान लेना है तो लगभग $17 में आपको इसका मंथली प्लान मिल जाता है और मेरे दिए हुए लिंक से अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो तो आपको तुरंत यहाँ पे 40% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जिससे ये सॉफ्टवेयर जो है वो और ज्यादा किफायती बन जाएगा। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि आपको नया आईफोन ले लिए हैं और उस आईफोन में आप सारे के सारे डेटा नहीं ट्रांसफर कर पा रहे हैं तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली आप अपने पीसी में, चाहे वो विंडोज हो या तो मैक हो, दोनों जगह पे इसको इंस्टॉल करके आराम से आप अपने सारे के सारे बैकअप को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।